अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A क्लास 6 या 7 की 700 एडिशन ऑक्सफोर्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, जिससे आपको ईजिली जो है इसके प्रीवियस के या इसके बाद वाले तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है इसमें, जो कि मैं आपको समझाया था, जैसे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ये होते हैं ना, इनको यूज करते हुए आपको इसको प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं, और बस ये इन्होंने कहा है। तो चले करके देखते हैं। ऐसा है कि आपके पास जो पहला पार्ट गिविन है वो है, अगर हम उसको देखें, वो है स्क्वायर रूट 1764। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, स्क्वायर रूट 1764 बोला जाए, या मैं इसको इस तरह लिख दूँ, चलें यहाँ लिखती हूँ 1764, और इस स्क्वायर रूट की जगह इसकी वैल्यू जो कि है 1/2, तो वो बात भी सही होगी। ये बात याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हाफ पावर के बराबर होती है, ये दोनों एक ही बात है। चले आप फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले आपको इस तरह का कॉलम बनाना पड़ता है, ठीक है, उस कॉलम में इस नंबर को लिखना पड़ता है जो कि है 1764। फिर आपको कोशिश ये करनी होती है कि आप सबसे छोटा टेबल चूज करें। अच्छा, सबसे छोटा टेबल कौन सा है जो कि प्राइम नंबर भी हो, 2, ठीक है, 2 है, तो 2 से ये हो भी रहा है या नहीं? अगर लास्ट में इवन नंबर हो तो 2 से ज़रूर डिविजिबल होगा, तो अब मैंने 2 यूज़ किया, 2 7 1 तो आ नहीं सकता, छोटा है, 17 लेना होगा, तो 17 तो नहीं आता, लेकिन 17 से छोटा 16 आता है, वो भी 8 जार, ठीक है, अब 16 आता है तो 17 में 16 -1 कैरी, फिर 2 8 जार एंड 2 2 जार 4। अच्छा, अभी फिर इवन नंबर है, अगर फिर इवन नंबर है तो आपको फिर यही करना होगा, 2 4 जार 8 एंड 2 4 जार 8 एंड 2 1 जार 2। अच्छा, अब इवन नंबर नहीं है, अब लास्ट में ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए अब आपको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, अगर इतना बड़ा नंबर हो तो आप इसको ऐड कर दें और देखें कि इसका एडिशन जो है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो मैं यहाँ पर रफ वर्क में कर देती हूँ, 4 + 4 + 1, तो 4 + 4 + 8 9, और 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल, तो ये डिविजिबल बाय 3 है। उसके अलावा मैंने वीडियो जो फर्स्ट अपलोड की है जिसमें डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हैं, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा तमाम HCF, LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। अब 3 से करते हैं, 3 के टेबल में 4 तो आता है, लेकिन 3 आता है, तो 3 1 जार 3 1, यहाँ क्या आई 14 नहीं आता, लेकिन 12 आता है, तो 3 4 जार 12 एंड देन 12 आया ना, 14 से 2 यहाँ पे अब जाएगा, तो 21 नहीं आता, नहीं बल्कि 21 आता है, 7 जार 21, ठीक है। अब फिर 147 को चेक कर लें कि भाई ये ऐड होकर क्या आएगा, 5 एंड 7 कितने होते हैं आपके पास, गिने ये होते हैं 12, इसका मतलब फिर 3 के टेबल से ये हो सकता है डिविजिबल, 3 फिर 3 4 जार 12 फिर 27, तो 3 9 जार 27। अब स्टूडेंट, आप 7 के टेबल के लिए भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ है, आप लोग वो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, लेकिन अभी तो मुझे डायरेक्टली ही पता है ना कि भाई 49 7 के टेबल में आता है, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट करूँ, क्यों डिटेल में जाऊँ उतनी, तो मैंने 7 7 जार 49 कर लिया। अब 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो अपने ही टेबल में आएगा, तो 7 1 जार 7, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं स्टेप्स को स्टार्ट। मैं इसको इस तरह कन्वर्ट कर चुकी थी हाफ पावर में। अब जो फैक्टर्स आए हैं मेरे पास जो कि प्राइम नंबर ही हैं, आप नोटिस करें तो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, उनमें लिख दूंगी 2 2 3 3 7 7, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, और ब्रैकेट लगाकर ये जो पावर थी मैं इसे लगा दूंगी। स्क्वायर रूट भी लिख सकती हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है, स्क्वायर रूट में आप पेयर बना के स्क्वायर रूट से बाहर उसको ले सकते हैं, उसका भी रीज़न है, यही रीज़न है एक्चुअली जो मैं कर रही हूँ। अब 2 2 है तो 2 की पावर 2, और ये हाफ पावर इसके साथ भी आ जाएगी, सबके साथ आएगी, ठीक है। फिर 3 2 है तो जमा कर लें, 1 और 1 2, और फिर ये हाफ पावर इसके साथ भी अलग से लगा रहे हैं इंडिविजुअली। 7 को जमा कर लें, 7 को जमा नहीं करें, सॉरी, 7 के पावर मतलब रेडिकेंट को जमा करें 2, और फिर ये हाफ पावर यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल,
तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इस तरह आएगा। अब 2 3 6 7 6 2 3 6 एंड 6 7 आर 42, तो इसका मतलब कि 42 जो है आपके पास आंसर आ गया। इसे आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1764 इज इक्वल टू 42, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए इसको जो है आंसर आप मालूम कर चुके हैं। अगर आप मैं इसी तरह देखूँ कि क्यूब रूट हो तो कैसे सॉल्व होगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक आपको स्क्वायर रूट के बजाय ही वो आप स्क्वायर रूट वाला खुद कर लीजिएगा। कौन सा है वो स्क्वायर रूट वाला, ये वाला स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन जो है वो आप खुद कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा उसको, ठीक है। और हम करते हैं इसके बाद जरा क्यूब रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टूडेंट अब आपके पास जो क्वेश्चन है ये 5 लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये 5 नहीं है, ये है 3। और अब आपको इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना है। मैं आपको बताती चलूँ, जब क्यूब रूट होता है ना तो वो बराबर होता है 1/3 की। अच्छा स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ हो तो आप जस्ट डायरेक्टली ये आंसर मालूम कर सकते हैं कि करेक्ट है या नहीं, अदरवाइज आपको फैक्टर्स नहीं पता चलेंगे कैलकुलेटर में, सिंपल कैलकुलेटर में। तो एटलीस्ट आपको फैक्टर्स निकालना जो है वो आने चाहिए। इसके लिए भी आपको मेथड वही अप्लाई करना है, बस इसका ही फर्क है, इसका क्या यूज़ होगा वो तो आप समझ ही जाएंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो मैं समझा दूंगी, कोई मसला नहीं है। 3 3 7 5, अच्छा बताइए क्या 7 5 एंड में 5 है, क्या ये इवन नंबर है? बिल्कुल ये इवन नंबर नहीं है, तो ये ऑड है। अब ऑड नंबर है तो मैं कैसे सॉल्व करना शुरू करूँ इसको? ऑड नंबर है तो मुझे चेक करना होगा कि 3 में आ रहा है या नहीं, तो जल्दी से मैं यहाँ ऐड करके चेक कर लेती हूँ। 3 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5, चेक करती हूँ क्या आ रहा है। 3 3 9 9 7 16 16, एक मिनट, 3 3 9 9 7 16 16 प्लस 5, सॉरी 3 3 6, मल्टीप्लाई कर रही थी, 6 प्लस 7 6 प्लस 7 आपके पास एंड देन 5, तो ये सब मिलाकर हो जाएगा आपके पास 18, ठीक है सॉरी। अच्छा आप क्या करते हैं, हम 3 से हो सकता है ये, तो 3 से आप लोग चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हैं, अदरवाइज रफ वर्क में भी कर सकते हैं, डिवाइड का कॉलम बनाकर भी कर सकते हैं और उस तरह कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 6 2 6, 1 कैरी और 3 5 15, तो 1 1 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 1 2 5 आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 5 आ रहा है, चेक करें कि भाई अब हो सकता है 1 1 प्लस 2 5, चेक के जाएगा 2 और 2 4 4 और 5 9, बिल्कुल अभी भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो फिर 3 से भी चाहे तो यूं ही रफ वर्क में कर सकते हैं या यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 11 तो आता नहीं है, 9 आता है, कब आता है? 3s are 9, फिर 11 में से 9 माइनस की तो 2, तो 2 22 हो गया। अच्छा 22 तो आता नहीं है, 21 आता है, कब आता है? 7 टाइम्स। आप 1 यहाँ कैरी मतलब शिफ्ट हो गया 50, और ये कब आता है? 5s are, ठीक है। अब 3 7 5 को दोबारा चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी डिविजिबल बाय 3 है, 3 7 जो होता है 10 और 10 और 5 15, तो फिर आप इसको 3 से करें, 3 1s are, फिर 3 2 6 2s are 6 एंड 3 5s are 15। अब 1 2 5 करें, 3 और 5 8, अब 3 से डिविजिबल नहीं है, और आप लोग जानते हैं किससे डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में है 5, 5 और 0 हो तो 5 से होता है, तो 5 से करते हैं। 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता है लेकिन 10 आता है, तो 5 2s are 10 एंड 2 शिफ्ट हो जाएगा, फिर 25 बन जाएगा एंड 5 5s are 25। अब 25 तो आपको पता ही है 5 के टेबल में आता ही है, 5 5s are 25, और 5 खुद तो 5 के टेबल में ज़रूर ही आता है, 5 1s are 5, ठीक है। इस तरह अब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए। आप नोटिस किया करें कि हमारे पास जब इस तरह हम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टर्स जो आते हैं वो प्राइम नंबर ही होते हैं। अगर हम सही से सॉल्व करें, अगर हम डायरेक्टली कोई बड़ा टेबल चूज कर लेंगे तो मे बी एरर आ जाएगा, 4 भी आ सकता है, 2 के टेबल का अगर हो और 4 से भी हो रहा हो तो फिर आप गलती हो सकती है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से मैं आपको बता दूं, अगर हम स्टेप करें तो पहले चाहे तो आप इसको क्यूब रूट में ही बनाकर दिखाएं, 3 3 7 5, अगर प्रॉपर स्टेप करना, फिर आप बता दें कि भाई आप ये क्यूब रूट नहीं है 1/3 है, और साथ में इसके फैक्टर भी लिख लें, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन इसको आप 1/3 पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक
ठीक है, अब ठीक है, रेड जो ये आपकी पावर्स हैं ये बेस सेम हैं, ऐड हो जाएंगी, और यहाँ भी यही होगा। ठीक है, 5 में भी 3 पावर आई है। अब क्या करना होगा, ये जो 3 1/3 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह। ठीक है, और 3 5 सा क्या हो जाएगा, आप 3 और 5 आपके पास समझे रिमेनिंग है, और 3 5 से आपके पास आएगा 15, जिसके आंसर को आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह, इस तरह 3 3 7 5 इज इक्वल टू, मतलब अगर हम 3 3 7 5 का क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। इसका एक और क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, स्क्वायर रूट वाला भी। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगी कि फिर वीडियो बना दूँ। और वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही चैप्टर मतलब क्लास 7 या 6 से रिलेटेड अगर मैं वीडियो बनाती रहूँ तो आप लोग कमेंट मेंशन कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।